आपका क्या नाम है? वैष्णवी। वैष्णवी, आपके फादर शहीद हो गए, उनकी उनके कुछ अरमान होंगे आपको बनाने के, क्या वो बनना चाहती थी आप? डॉक्टर। अब उनके आपके पिताजी नहीं रहे, अब आप क्या करेंगे, उनके सपने को कैसे पूरा करेंगे? अब हम उनके उनके साथ जिसने पूरा किया है, अब हम उन्हीं लोगों से, मतलब उन जैसे लोगों से अब हम बदला लेना चाहिए। अब आप पुलिस में आके लोग, मतलब अपराधियों से बदला लेंगे, उनका चेहरा सामने लाएंगे और उनको उनकी सही जगह में पहुंचाएंगे। तो मतलब आप अपने पिताजी को नौकरी मिलेगी उसमें आप जाना चाहेंगे और अपराधियों के खिलाफ लड़ेंगे आप? जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए किया है, वो शहीद हुए हैं, उन्होंने अपने पूरा 100% दिया है और उस जो जो हैं उनको जो इंडिकेट किया है कि वो इतने बड़े मतलब टेररिस्ट थे, इनका इतने केस चल चुके हैं, लेकिन तब भी उनका कुछ नहीं हुआ था। अभी वो मेरे डैड की वजह से ही हमें लगता है इंडिकेट हुए हैं। तो ऐसे अभी कई लोग हैं जो अभी भी छुपे हैं। एक पापा ने आपसे एक लेटर लिखा था SSP को, जिसमें SO चौबेपुर की भूमिका को संदिग्ध बताया था कि ये उस अपराधी से मिला हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि मतलब कि पुलिस की जो भूमिका थी उसमें सही नहीं थी? जो थाना अध्यक्ष चौबेपुर थे उसकी शिकायत आपके पापा ने SSP को लेटर लिख के करी थी, उसमें कहा था कि जो SO है ये अपराधी। हाँ, सब हम ही ने उनके व्हाट्सएप मैसेजेस और उनकी जो प्राइवेट फाइल्स थी उनके सारे डॉक्यूमेंट्स में हमने और सर जी ने सब देखा, तो उसकी वजह से हम लोग ने आज ही सारा जो है मीडिया के सामने सारा रिकॉर्ड कर। तो आपके पापा ने SSP को लिखा था विनय तिवारी के लिए? और SSP के साथ रिकॉर्डिंग भी, SSP आनंद तिवारी के साथ तीनों मतलब कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्डिंग भी है उनकी। आपके पापा ने SSP आनंद तिवारी को बोला कि CO की जो इंस्पेक्टर है उसकी भूमिका संदिग्ध है, और पूरी रिकॉर्डिंग और आनंद तिवारी ने इंस्पेक्टर को लाइन पे लेकर उसको डांटा। हाँ, यही कहना चाहती हूँ। लेकिन उसके बावजूद मतलब विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध रही और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इस बात का आपको दुख है कि आपके पिता ने शिकायत की और उच्च अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की? और इस पर CBI के साथ मजिस्ट्रेट जांच पूरी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। आप CBI क्या चाहते हैं? नायक को CBI को हाई कोर्ट के जैसे क्या कहना चाहेंगे? सरकार से पुलिस से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की जांच आप चाहते हो? और जांच और मजिस्ट्रेट हो चुकी है, हाई कोर्ट के सिटिंग जैसे इन्होंने कहा है, जितनी भी ऊपर से ऊपर अच्छी तरीके से जाँच हो सकती है, और ये साजिश की गई है तो जिसने भी की है मतलब अच्छी तरीके से उन लोगों को पकड़ लिया है। आपको लगता है जिस तरह से आपने एविडेंस निकाले अब आप लोगों को? हाँ।